लेकिन हाँ। जरूरत नहीं है वैसे हाँ, वही कह रहा हूँ, इतना पैसा लगाने हाँ। की वर्थ है आपके हिसाब से? सीट बेल्ट लगाई है सबने, ये पैं करेगी कुछ देर तक। और दूसरी चीज, अब इंडिकेटर देके देखो एक बार, इंडिकेटर की नॉइज बहुत ज्यादा है, इरिटेटिंग है, ऐसा लग रहा है सर पे कोई मार रहा है। हाँ, ये चीज मुझे फील हुई। अरे सेम प्राइस में नेक्सोन एक्सी भी आपको मिल जाएगी। आज हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है जो अपनी ही छोटी बहन की सेल खा रही है, वो है बलिनो। बलिनो की खा रही है और गाड़ी है फ्रॉन्क्स। सिर्फ बलिनो की नहीं, कॉम्पैक्ट एसयूवीज की भी ये सेल खा रही है, जैसे कि नेक्सोन के बेस वेरिएंट हो गए और 1.2 लीटर वाला जो सोनेट का वेन्यू का जो वेरिएंट है, उनकी भी ये अच्छी खासी सेल खा रही है। और ये इसका बेस वेरिएंट है जिसे सिग्मा बोला जाता है। गौरव की गाड़ी है। गौरव बहुत बहुत स्वागत है। गौरव पहले भी चैनल में आ चुके हैं, इनके पास ऑल्ट्रोस थी वो निकाल दी, ऑल्ट्रोस को निकाल के ये नहीं लिए, ऑल्ट्रोस को निकाल के इन्होंने पोलो लिए। और मेरे पास स्विफ्ट डिजायर थी, उसको निकाल के ये लिए, डिजायर को निकाल के हाँ ये लिए। इन्होंने बहुत काम करवाए हैं और काफी बाकी है, बेस से टॉप बनाने वाले हैं, उसका भी एक अलग से वीडियो आएगा। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा यार, टर्बो क्यों नहीं लिया आपने? टर्बो मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। बुकिंग मैंने टर्बो की थी, उसमें कई चीजें मेरे नीड से ऊपर भी थी, देखा जाए तो कई चीजें ऐसी जो मैं यूज नहीं भी करूंगा। और मैंने सिग्मा इसलिए लिया है कि उसमें अपने अकॉर्डिंग में काम करा सकता हूँ। मतलब सिग्मा लेके 50-60 हज़ार लगाओगे तो अपने लिए गाड़ी बना सकते हो रेडी, इतना पैसा देने की नीड नहीं है मेरे हिसाब से। सच बात ये, सिग्मा वेरिएंट में ज्यादा वीडियोस बन जाएगी और टॉप वेरिएंट में कम बनेगी, कम बनेगी। लेकिन इसमें हम बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। सही बात है। अच्छा, आपने बुक करवाई थी एक लीटर वाला जो टर्बोचार्जर इंजन है, चलाकर देखा था? हाँ, लेकिन मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों मजा नहीं आया। ओके हाँ। वैसे जो हमने गाड़ी चलाई थी जब मीडिया ड्राइव हुई थी, तो 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन था, ये चलाना बाकी है। ये कैसे चलता है वो मैं आपको चला के दिखाऊंगा। बाकी बलिनो से ये मोटे मोटे तौर पे 90+ ये महंगी पड़ती है। 90 हज़ार में आपको क्या क्या मिल जाता है? एक तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छी मिल जाती है और इंटीरियर इसके जो है थोड़े से चेंज मिलेंगे बलिनो के कंपैरिजन में। फ्रंट की ग्रिल वगैरह जो है ग्रैंड विटारा से रिजेंबल करती है और पीछे टेल लैंप है वो काफी स्टाइलिश है, कनेक्टेड टाइप की जो टेल लैंप है, मतलब की गाड़ी का पूरा डिजाइन चेंज है। और यहाँ पर आपको देखिए रूफ रेल भी मिलती है, बाहर से तो नहीं लग रही, ये बेस मॉडल में आ रही है जो, और ये सब कुछ सीमा आया है, सब कुछ सीमा हाँ, हाँ, हाँ। बट थोड़ा सा आपको दिक्कत ये कर सकता है, ये इसका जुगाड़ करने वाले हो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ। तो कहीं ना कहीं 90 हज़ार रुपये ज्यादा ले रहे हैं, तो चीजें मुझे वर्थ लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार 90 हज़ार कुछ ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इसका 1 लीटर वाला टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है वो अभी भी ओवर प्राइज्ड है ना हाँ। क्योंकि मैंने जब प्राइस कंपैरिजन करे नेक्सोन से, नेक्सोन का जो टॉप वेरिएंट है एक्सेड प्लस मैनुअल, वो इसके अल्फा मैनुअल से 1 लाख रुपए सस्ता है। ये किस बात का सेंस है यार, है ना। चलिए अब इसको चलाकर देखते हैं, साथ के साथ गौरव से बात भी करेंगे, आपको पता भी चल जाएगा कि ये चलती कैसी, आप इसे कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, सुपर साइलेंट इंजन है इसका। अगर मैं एसी को ऑफ कर देता हूं तो पता नहीं चलता कि गाड़ी ऑन है, तो ये खासियत रहती है मारुति के इंजन की। और मुझे एक बात बताओ, टाटा के कंपैरिजन में मारुति का इंजन आपको कैसा लग रहा है? मारुति का इंजन बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है मुझे। पहले भी मैंने मारुति की यूज की हुई है गाड़ी। अच्छा। तो उसके कंपैरेटिवली मुझे मारुति का ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि टाटा में कहीं ना कहीं नॉइज बहुत आती है कैबिन के अंदर। और आपने जो है पुरानी वाली ऑल्ट्रोज रखी है BS4 वाली, अभी आप चलाओगे ना हाँ। जमीन और आसमान का अंतर आपको अभी भी दिखाई देगा, अल्ट्रो जो BS6 फेज 2 वाली है। दूसरी चीज ये है कि गाड़ी फील नहीं होती कि हल्की फुल्की है, इसमें हाँ। अच्छा खासा वेट है, चाहे आप उसका बोनेट उठा के देखो हाँ। डोर्स में अच्छा खासा वेट है, पीछे जो इसका टेल गेट है उसमें भी अच्छा खासा वेट है। जो गाड़ी के चलने के बाद हाव भाव होता है ना हाँ जी। तो उसमें ये फील कराती है कि ये गाड़ी जो है थोड़ी सी वजन में अच्छी है। 1.2 लीटर वाला जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो शुरुआत में बड़ा प्यारा उठता है, क्योंकि टर्बो इंजन छोटा है, जब तक उसका टर्बो ऑन नहीं होगा तब तक हाँ। वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा, शुरुआत में समझ में आ जाता है और बहुत प्यार से उठती है। हम लोग 4 बैठे हैं, एसी चालू है, अगर मैं विदाउट एक्सलेटर के इसको उठाना चाहूँ बिना किसी वाइब्रेशंस के उठ जाएगी ये गाड़ी, तो ये खासियत तो है। और ये पंगा मारुति की आजकल हर गाड़ी में आ रहा है, सीट बेल्ट लगाई है सबने, ये पैं करेगी कुछ देर तक। अच्छा, परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। और सच बताऊं आपको, टर्बो इंजन लेने की जरूरत नहीं है इसका, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है। और मुझे 4 लोगों के बैठने के बाद ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये दबके चल रही है, राइट। बहुत खुशनुमा अंदाज है इसका, और साथ के साथ जो इसके सस्पेंशन है काफी अच्छे हैं, सॉफ्टर साइड में है, राइड क्वालिटी काफी अच्छी है। अच्छा, नेगेटिव क्या लगे अभी तक? नेगेटिव मुझे इसके अंदर ये लगे, पहले तो मुझे इसका एसी बहुत ज्यादा वीक लगा। अच्छा। कई लोगों ने मुझे बोला कि शायद वेदर की वजह से हो रहा है, कि वेदर बहुत गर्म है, पर नहीं,
मेरे पास डिजायर भी थी जो कि लगा लो 7-8 साल पुरानी थी, अगर उसके अंदर बैठता मैं इतनी देर में तो बहुत ठंडी कर देती थी, लेकिन इसके अंदर क्या है फैन की स्पीड जो है पूरी टाइम पे ज्यादा ही लेवल पे रखनी पड़ रही है, तो मुझे एसी इसका उतना खास नहीं लगा। और दूसरी चीज अब इंडिकेटर देके देखो एक बार, इंडिकेटर की नॉइज ये बहुत ज्यादा है, इरिटेटिंग है, ऐसा लग रहा है सर पे कोई मार रहा है। हाँ ये चीज मुझे फील हुई कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी इंडिकेटर के अंदर, बस कि ये बहुत ज्यादा नॉइजी इंडिकेटर है इसका। देखो आपने अंदर ये इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह तो लगा दिया, लेकिन ये काफी सुना सुना लग रहा है। कौन सा वो स्टीयरिंग? हमने रिव्यू बहुत जल्दी कर लिया, मेरा स्टीयरिंग भी आया हुआ है, अच्छा। लग रहा इंस्टॉल होना बाकी है इसमें अभी प्रॉपरली, जो उसमें टॉप वेरिएंट में आ रहा है ना वही वाला है। बाकी एवरेज क्या दे रही है? एवरेज मैंने इसी कैलकुलेट की थी, मुझे 19 से 20 के बीच में मिल रही है। अब बताओ यार अब सीएनजी क्यों लेनी है, सिटी में मिल रही है सिटी में? हाँ मैंने पूरी ऑल्ट्रोज कितना निकालती थी? ऑल्ट्रोज निकालती थी 14-15 के आसपास। भाई साहब कितने में निकली हो वो? निकल गई थी मेरे पास 580 के आसपास। और ली कितने की थी? मैंने वो ली थी 629। अच्छा वो सारा जो मॉडिफिकेशन है? हाँ, मैंने वो सारा दे दिया। हाँ अच्छा अच्छा, क्योंकि उसमें मॉडिफिकेशन भी बहुत ज्यादा हो रखा था, ओवर 4 लाख का था। लोग बोलते बहुत है बिल्ड क्वालिटी को लेके, लेकिन लोग कितना भी बोले बिल्ड क्वालिटी को, लेकिन आते हुए एट द एंड इंजन की हो रही है। हर किसी को साइलेंट इंजन ही चाहिए, कोई ये नहीं चाहता कि उनकी नई गाड़ी में ना कैबिन नॉइज वगैरह रहे या स्टार्टिंग में वो अजीब सी आवाज आती है, वो रहे नई गाड़ी के अंदर। ये 8,80,000 की ऑन रोड पड़ी आपको ना? हाँ जी हाँ जी। वैसे सेम प्राइस में नेक्सॉन एक्सी भी आपको मिल जाएगी, मतलब 30-40 हज़ार रुपए का अंतर है। आपको इतनी महंगी क्यों पड़ी यार, ये तो 8.5 के आसपास की है गाड़ी। मुझे भी पहले लगा था कि शायद रेट इतने नहीं आएंगे, बट इसके रेट मेरे जितना मैंने सोचा था उससे अच्छे खासे आए, रेट अप आए काफी, और वही चीज अभी आगे और गाड़ियों में भी रहेगी। आपको ड्राइव करने में कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, कोई कंपैरेटिवली 1.0 से? 1.0 से जो आउटराइट परफॉर्मेंस है वो थोड़ा बहुत उसमें अंतर मिल जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है वैसे। मैं वही कह रहा हूँ, इतना पैसा लगाने की वर्थ है आपके हिसाब से? वही मुझे भी फील हुआ था कि इतना लगाना वर्थ नहीं है। और यार 19 की फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है आपको, वो कम देता है, वो हमें दे रहा था 13-14 का। आगे चलाकर देखते हैं इसकी राइड क्वालिटी, देखो कितनी कुशनी है यार, ये पीछे आपको फील हो रहे हैं गड्ढे? नहीं बढ़िया, मतलब ठीक है, ये तो होना जितना भी हो रहा है ना ये चीज नॉर्मल है, जायज है, चलेगा इतना तो। यहाँ से निकल जाएगी। मैंने एक्चुअली अभी ग्राउंड क्लीयरेंस वगैरह चेक नहीं करी उतनी खास अपने लेवल में। अच्छी है 190 है, 190 हाँ। देखो पावर में कोई कमी नहीं है, ये तो कहना पड़ेगा। और अच्छी बात पता है क्या है? हाँ जी। इसका स्टीयरिंग वापस आ रहा है देखो, और 100% वापस आ रहा है स्लो स्पीड में भी। देखो मेहनत तो करी है मारुति ने, इस गाड़ी में मेहनत नजर आ रही है वैसे पूरी पूरी। लेआउट देखो ना अब यहाँ पर डैशबोर्ड का कितना प्यारा है बलेनो के कंपैरिजन में, और क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है बेस वेरिएंट में, चारों पावर विंडो मिल जाती है आपको, बूट ओपनर मिल जाता है बटन से, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं, तो 90,000 रुपए जायज है। और एवरेज मिल जाता है 19 का। लॉन्ग ट्रिप कर दी इस गाड़ी से? नहीं अभी नहीं करी, अब प्लान कर रहे हैं उत्तराखंड जा रहा हूँ। अच्छा फैमिली को? अच्छा फैमिली को ऑल्ट्रोज में या फिर इसमें ज्यादा कम्फर्टेबल फील हो रहा है? अभी तो वैसे गए नहीं है पर उनको अच्छी ज्यादा ये लगी कंपैरेटिवली अल्ट्रोस से। लॉन्ग ड्राइव में ना अगर 90-100 में चलोगे हाँ, ये 20+ का बड़े प्यार से निकालेगी। हाँ, हाईवे पे लोग समझते हैं सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है बलेनो के कंपैरिजन में, गाड़ी की कीमत जो है 50-60 हज़ार एक्स्ट्रा होनी चाहिए, लेकिन इसमें इतना कुछ ऑफर कर रही है मारुति तो जायज है। मैं 10 बार बोल चुका हूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब कुछ इसमें मिलता है, 2 एयरबैग हैं, बाकी क्रैश टेस्ट रेटिंग मारुति करवाती नहीं है ग्लोबल एनसीएपी की, आप वही उठा कर ले जाएंगे गाड़ी को तब पता चलेगा क्या सीन है। वैसे काफी अच्छा स्कोर करेगी क्योंकि जो छोटे मोटे चीजें हैं जैसे 3-point सीट बेल्ट वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया है जो अच्छे नंबर्स लेकर आती है। बाकी गाड़ी बहुत स्मूथ है, रिलायबल तो है ही। इन्होंने अपनी पुरानी वाली डिजायर लाख क्रॉस करवाई थी, कितनी चलाई थी? मैंने वो 1,25,000 ड्राइव, पेट्रोल ही थी ना? पेट्रोल थी हाँ। और कीमत भी अच्छी मिल गई होगी? उसकी कीमत मेरे को मिली थी मतलब अराउंड 320 के आसपास, ठीक है मतलब 125 चला ली थी, 7-8 साल चला ली, तो उसके हिसाब से ठीक था रेट, तो कोई इशू नहीं है गाड़ी में फिलहाल। और खरीदने लायक है गाड़ी, अंदर से बैठने भी काफी अच्छा लगता है, बाहर से दिखने की भी गाड़ी काफी अच्छी लगती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच यार आने के लिए।